subscribe, like on and share my channel. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट पर. तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है और स्वीट्स का भी मन करता ही है खाने का और बनाने का. तो क्यों ना हम इस बार काजू कतली बनाते हैं, जो कि एक बार में ही आपकी बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी और इसको हार्डली आपको 10 to 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको गैस ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत ही न्यू टेक्निक से आपको ये बताऊँगी जो बनाने में बहुत ईजी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें काजू का इसका चूरा बनाना है, काजू का पाउडर. तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, काजू को, ठंडे काजू को, मैंने फ्रिज के रखे हुए काजू को अच्छे से पीसा है, बट उसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक के, मींस मैंने जर्क देकर पीसा है क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पीसेंगे तो इसका जो चिकनाहट है वो निकल जाएगी और हमें इसकी चिकनाहट नहीं निकालनी है, इसलिए हमने इसे धीरे धीरे करके पीसा है काजू को. और ठंडे फ्रिज के काजू यूज़ करे हैं, हमें टेम्परेचर का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें फ्रिज के रखे काजू लेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पाउडर तैयार हो जाएगा. तो देखिए कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको बाद में छलनी से छान लिया है. तो देखिए अब मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैंने 1 कप के अराउंड मिल्क पाउडर लिया है और 1/2 कप मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है. मिल्क पाउडर आपको अच्छी ब्रांड का यूज़ करना है. और मैंने जो काजू का पाउडर तैयार किया था उसमें मैंने 1/2 कप ही उसमें काजू का पाउडर लिया है और इसको अभी हम ड्राई में ही मिला लेंगे अच्छे से. फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिएगा तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा. तो देखिए पहले हमने इसको ड्राई में मिक्स कर लेना है और क्योंकि हमने इसमें आइसिंग शुगर और पाउडर शुगर यूज़ करी है, क्योंकि पाउडर शुगर बहुत ही बारीक होती है, तो इसमें हमें अब इसका डो बनाने के लिए दूध बहुत देख देख के डालना है. यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है बट जितनी मुझे नीड लगेगी मैं 1-1 स्पून करके इसमें डालूँगी, क्योंकि अगर हम पतला कर देंगे तो उसमें वो भी ख़राब हो जाएगा. तो मेरी 2-3 टेबल स्पून में बहुत अच्छा डो तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें पाउडर शुगर है और उसकी वजह से बहुत ही कम दूध लगेगा हमारा. इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो डो बनाने के बाद हाथ को चिकना कर लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए और डो को अच्छे से हाथों से भी निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए. तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है. अब हमने क्या किया है, यहाँ पर बटर पेपर लिया है, मैंने बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है देसी घी से, क्योंकि जिससे कि हमारी काजू कतली जब तैयार हो जाए तो बहुत ईजिली हट जाए. तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पर घी लगा लिया है और इसकी एक लोई सी बना ली है जितना हमारा डो था, और उसको हाथ से पहले फ्लैट करके, और अब मैं बेलन पे भी घी लगा लूँगी, चिकनाहट कर लूँगी जिससे पोस पर भी ना चिपके डो. और देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको पतला सा बेल लूँगी और बाकी पतली ही बनेंगी अगर आप जितना पतला इसमें करेंगे बेलेंगे, और अगर आपको मोटा रखना है तो मोटा भी कर सकते हैं. यहाँ मैंने ठीक ठीक रखा है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा. देखिए मेरा ये डो इस तरीके से बेल के तैयार हो गया है. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये अमेजिंग बनती हैं और अगर आप इसमें दूध का क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी. तो देखिए मैंने बच्चों का पेपर स्केल ले लिया है और स्केल की हेल्प से मैं इक्वल साइज़ के पीसेस कट करूँगी. बाकी आप अगर आइडिया से आप परफेक्टली काट सकते हैं तो वो भी ठीक है. यहाँ मैंने स्केल की हेल्प से इसको डायमंड शेप में काटना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बस ऊपर ऊपर की साइड स्केल रख के और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने काट दिया. तो देखिए इस तरीके से पीसेस होंगे, बट अभी हमें ये हमारा सॉफ्ट है तो हमें इसे आधा घंटा आप फैन की, नॉर्मल फ़ैन की हवा में रख दीजिए जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए. और देखिए हमारी काजू कतली ड्राई हो गई है और देखिए मैंने हटाना शुरू कर दिया है. बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारी काजू कतली बनी है बहुत ही कम टाइम में और इसमें हमने गैस भी नहीं ऑन किया है. तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एक एक करके काजू कतली अपनी प्लेट में निकाली है. इन काजू कतली को देख के कोई नहीं कह सकता इसको हमने किस प्रोसेस से बनाया है. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत अमेजिंग बनी थी और फेस्टिवल सीजन में इसको ट्राई करना बनता है. काजू कतली मोस्टली सबको ही पसंद होती है. तो देखिए कुछ इस तरीके से, जो डायमंड के शेप के हो आप उसको निकाल लीजिए और बाकी जो साइड के हैं उनको ऐसे ही खा लीजिए. बहुत ही टेस्टी लगते हैं. बस देखने के लिए ये होता है कि शेप होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है. बाकी अगर आपके पास अभी सिल्वर फॉइल हो तो आप उससे डेकोरेट कर लीजिए. मुझ पर थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा सा वो यूज़ कर लिया. अभी मेरे ये सब टूटे फूटे पीसेस बचे हैं, इसको मैं हटा दूंगी.
और इसको हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप अच्छे से स्टोर करके खाइए, बहुत ही टेस्टी रहती है। अब मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए मेरे पे छोटे छोटे सिल्वर फॉइल के पेपर थे, तो मैंने उससे हल्का सा इसको कर लिया है। यहाँ पर ज़्यादा बड़े फॉइल पेपर नहीं थे सिल्वर फॉइल, तो मेरे पास छोटे थे तो मैंने छोटे यहाँ पर लगा लिए। आपके पास बड़े हों तो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसको कोई नहीं कह सकता है कि ये मार्केट की नहीं है। बहुत ही अमेजिंग बनी है, बहुत ही इजी प्रोसेस है बनाने का, और देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी हैं। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पीसेस थे मैंने अपने कंटेनर में स्टोर कर लेने हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाती है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है हमारी। देखिए कितनी पतली है, बिल्कुल इक्वल शेप में है, और देखिए कितनी फर्स्ट क्लास बनी है हमारी काजू कतली, बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपकी काजू कतली नहीं बनती है और तो आप इस मेथड से काजू कतली बना के देखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ कितना अमेजिंग टेक्सचर आया है मेरी काजू कतली का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इजी क्विक रेसिपी डेली लाती हूँ। और देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी काजू कतली है, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काजू कतली की रेसिपी ट्राई करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जितना पॉसिबल हो, और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाइएगा, और उसके आगे बने बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी आगे भी इसी रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।